दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने भारतीय टीम को दे डाली है धमकी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के अध्यक्ष रमीज राजा ने वर्ल्ड कप में ना खेलने की धमकी दी है। तो वहीं इस धमकी पर पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को फटकार लगाई है। दोस्तों दोनों के बीच ऐसी जुबानी जंग देखने को मिली जिसके सामने तो दोनों टीमों की राइवलरी भी फीकी है। आखिरकार रमीज राजा और नरेंद्र मोदी के बीच जुबानी जंग में क्या क्या हुआ, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है विस्फोटक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है तो दूसरी तरफ बीसीसीआई के चुनाव खत्म हो चुके हैं, जहां बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने और वहीं जय शाह सचिव के रूप में पहले की तरह कार्य करते रहेंगे। अब ऐसे में जय शाह ने बयान देते हुए एक बड़ी बात कह दी, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अगले साल एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला था लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान की धरती पर खेलने के लिए नहीं जाएगी। अब ऐसे में एशिया कप को पाकिस्तान में ना करा कर कहीं न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाएगा, तो वहीं पाकिस्तान के अध्यक्ष यानी कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित कराने की बात आश्चर्य लगती है और निराशाजनक भी है, क्योंकि ये टिप्पणी एशियाई क्रिकेट परिषद या टूर्नामेंट के मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बिना किसी चर्चा के और उनके दीर्घकालिक परिणामों के बारे में बिना किसी विचार के की गई थी। तो वहीं रमीज राजा के बयान पर नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला ज्यादा मुख्य नहीं है, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है तो वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए ना आए। किसी भी टीम के आने और ना आने से दूसरी टीमों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हम लेंगे और हमारे लिए और हमारी भारतीय टीम की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जहां पाकिस्तान की सरजमी पर हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। हालांकि एक बार जब श्रीलंका की टीम के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था, जिसके बाद से क्रिकेट पूरी तरह से शर्मसार हो गया था और हम नहीं चाहते कि एशिया कप में भारतीय टीम के ऊपर हमला हो। तो वहीं नरेंद्र मोदी ने आगे बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम मैनेजमेंट का कद इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी ज्यादा शानदार स्थिति में है और अभी हमारे द्वारा कुछ भी राय सभी को माननी पड़ेगी। हमारी शानदार स्थिति के सामने विरोधी टीम भी परेशान होती हुई दिखाई देती है, लेकिन हमें पूरी तरह से ज्ञान है कि किस तरह खिलाड़ी को और पूरी की पूरी टीम को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो वहीं बीसीसीआई का कद इस समय काफी ज्यादा शानदार, ऐसे में हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए वर्ल्ड कप से बाहर फेंकना भी जानते हैं। और अगर हम चाहें तो पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में नहीं खिलाएं तो आईसीसी इस मुद्दे पर काफी ज्यादा बातचीत भी नहीं कर सकता, और अगर आईसीसी पर दबाव बनाए तो आईसीसी हमारी बात को अवश्य रूप से मानेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मुकाबले होने चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब।